गाडी भरत दास, यहाँको विशेषता भनेको तपाईँको विष्णु पुराणको अनुसार यहाँलाई दधिची ऋषिको हाड भनिन्छ। उहाँकै हाडबाट धनु बन्यो, पिनाकी धनु। त्यही धनु शिवले परशुरामलाई दिनुभयो, परशुरामले जनकलाई दिनुभएको थियो। त सीता स्वयम्वर रचियो जनकपुर, भाग्नु भयो उहीँ। तिन टुक्रा भयो, दाहिने आकाश गो रामेश्वरम, देव्रे पाताल यो चाहिँ बिचको भाग। त्यही छन् राम मध्य धनु टुक्रा, मध्यको टुक्रा। यो मेन टुक्रै माथि यो रुख छ, यो रुखलाई पनि 550 वर्षभन्दा माथि बताइरहेछ। अब धनुषको चाहिँ पूर्वतिर बढ्ने क्रम जारी छ, जस्तो ऊ अहिले नयाँ निस्किँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ एउटा कुण्ड छ पाताल गङ्गा, हाम्रो बुझेश्वरी जस्तो। यसैले आँकडा गर्छ कि समय कस्तो छ, मौसमी बर्सात कस्तो छ भन्ने। यहाँका जन खेतीवालहरू यसैले आँकडा गर्छ यसपालि समय कहिले पानीको लेभलले। पानी जति माथि बस्यो उति राम्रो हो, जति तल गयो उति नराम्रो। यसो हेर्दाखेरि जस्तो यहाँको रूप रुद्राक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले वैज्ञानिकले भनिरहेको कि अब यो ढुङ्गा भनौँ भने घेरु कलर छ, फलाम भनौँ भने चुम्बुकले समातिरहेको छैन, अहिलेसम्म यो मेटलमा आइरहेको छैन। यही भएर यसलाई धेरै कृषिमा जुन जति सक्दो यहाँलाई प्राकृतिकै राखौँ भनेर यो रूपमा राख्यो। यही भयो यहाँको संक्षेप। सालमा तपाईँको 4-5 महिना मेला लाग्छ। यहाँको ठुलो जात्रा भनेको जस्तो मुङ्सिर विवाह बन्छ। अब यो माघे सङ्क्रान्ति 1 गतेदेखि भनौँ न आइतबारदेखि हाम्रो यो मकर मेला चल्यो। भोलिदेखि मकर मेला सुरु, 1 महिना 5 आइतबार। त्यसपछि फागुन शुक्ल पक्षमा फेरि यो मिथिला परिक्रमा 84 परिक्रमा, र त्यसपछि फेरि लगत्तै तपाईँको चैतमा रामनवमी हिँडेर चाहिँ यहाँको जात्रा हो। कहाँ बढी आउने भनेको तपाईँको भारतवर्षकै हो, लगायत हाम्रो नेपाल, यही दुई देशको मान्छे। तपाईँको बिहार, युपी, झारखण्ड, उसो त अब भित्रसम्मको आउनुहुन्छ। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जात्रामा चाहिँ किनेर आउँदैन यस्तो, मतलब भ्रमणमा टुर गाडीमा, लङ टुर गाडीहरूमा आउँछ उनीहरू। तर जात्राको बेलामा प्रायः तपाईँको बिहार, युपी मात्र आउँछ, नेपाल। वही धनवा शिव जी परशुराम जी के दिल, परशुराम जी के जाके जनक महाराज के दिल रहे। सीता शंकर रचन गए जनकपुर, रंगभूमि जब से कबूधारी, वहाँ दुर्ले वहीं गर्भदयी चापखंड वहीं डारे, तीन टुकड़ा भय देख पीछा, ऐसे टुटला धनिया। ये रामेश्वरम में है तमिलनाडु, ये भगवान उनका जहाँ शासन अभी तैरता था। अभी जयपुर तो देखिए समुद्र में यही तैरता पानी। अब आमा गए पाताल जनकपुर, धनु सागर राम मंदिर के आगे बड़ा पोखर है धनु सागर। यही भय बीच के टुकड़ा यही छ राम मध्य धनु टुकड़ा मध्य। तो ये भगवान के हाथ से गिरल लाल टुकड़ा ही भय। ये पेड़ ही पूरा धनुषीय पढ़ा, ये पेड़ के भी 550 बरस से ऊपर हो गए। ये बड़ा था लंबाई धनुषिया बड़ा था, जैसे वो अभी बनाया निकल रहा है वहाँ। ये बड़े के कारण से ही एक मंदिर ना बनाए गए, ब्लॉक लगाए गए। यहाँ एक कुंड पाताल गंगा, समय धनुष मिला है ना तो अपने आवाज से जमीन फट गए, बड़े भुवन भूमि गोर कटोरा। ये कहा कि अपना अपना जगह के अपना अपना रीति रिवाज, हमारे इंटरनेट के लिए एक सूचक है।
यही से आंकड़ा करत है गृहस्थी, समय कैसन है, फसल कैसन है, बारिश कैसन है, पानी के जेवर कैसे, पानी जितना ऊपर रही उतना अच्छा, जितना तले गए उतना अशुभ। अभी छह महीना से पूरे पाताल रहा, ऐसे रही तो देश पर कोई संकट आ रहा है, हाल में चल रहा इतना बाढ़ पूरी भोजन क्षति बन, ऐसे देखे में लगातार जैसे इंद्राक्ष खुला वो रूप में। अभी वैज्ञानिक कहता न पाथर बता होता, न लोहा बता होता, न लावा बता होता, मेटल में न आ रहा, यही से पर्यटन में रखा गया कि ज्यादा के तुलना करी जितना हो सके उसको प्राप्ति रखा गया। यही भाई लाल